झारखंड में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में शीत युद्ध चल ही रहा था कि इसमें झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी है। उन्होंने राजभवन पर सवाल उठाया है। जेएमएम के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों की पहचान सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित कर राजभवन को भेजा गया। उन्होंने कहा कि राजभवन भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। बाद में उन्होंने अपने भाषण को अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला। बता दें कि 11 नवंबर 2000 को झारखंड सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना आदिवासी धर्म कोड बिल पारित कराया था। उसे राजभवन की सहमति लिए बिना केंद्र सरकार को भेज दिया गया। राजभवन को सिर्फ इसकी औपचारिक सूचना दी गई। अमूमन ऐसा नहीं होता है और इसमें बिल के पास होने में अड़चनें आती हैं। इसके बाद जनवरी 2023 में तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के बिल को राज्य सरकार को वापस लौटा दिया गया था। उन्होंने झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों को स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक को वापस भेजा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुर्भाग्य से उसने आदिवासी धर्म का नाम लिखा हुआ नहीं है। उस आदिवासी कोर्ट का सेंसस के रिपोर्ट में लिखने के लिए यह मुख्यमंत्री शपथ लेने के साथ साथ विधानसभा में विशेष सत्र बुलाने के बाद सेंसस रिपोर्ट में सरना धर्म का कोड हो ताकि पता चल सके कि पूरा देश का हमारा आदिवासी भाई और बहन का संख्या क्या है। और अपना विधानसभा से पारित करा के दिल्ली को भेज दिए, लेकिन आज तक देखिए उसका हस्त क्या हुआ, आज तक वह बिल पास नहीं हुआ। आपने देखा होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन में और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कार्यसूची में 1932 का खतियान है। हम लोग पहले ही नारा लगा चुका है कि झारखंडी का हो पहचान, 1932 के खतियान में जिनका हो नाम, हम लोग तो नारा लगा चुके हैं। जैसे ही विधानसभा में आदरणीय हेमंत सोरेन जी आए, 1932 का खतियान विशेष सत्र बुला करके राजभवन भेजने का काम किया, यह गलत बात है क्या? आप बताइए राजभवन में क्या कसूर किया 1932 के खतियानी रैयत जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासी हैं, जिनका नाभि मूल इस मिट्टी में बड़ा हुआ है। राजभवन उस बिल को वापस कर दिया। राजभवन कितने इशारे में चलता है पता करना होगा, आपको जानना होगा। आप 27% रिजर्वेशन आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए था, सारे वर्ग का रिजर्वेशन है, आदिवासी भाई बहन के लिए है, हमारे हरिजन भाई बहन के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, सवर्ग जो गरीब है आर्थिक रूप से, जिसको ईडब्ल्यूएस बोलता है, उनके लिए भी 10% है, और पिछड़े वर्ग के लिए भी 27% था। इसको हटा करके कम कर देना और यही हमारे सोरेन का सरकार, इसको पुनः 27% करके राजभवन भेजना और राजभवन फिर से इस बिल को वापस कर देना, ये कौन सी का संकेत है? इन लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है? यार हम लोग तो समझते नहीं है। कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, ये तो समझना चाहिए। और अभी बेरोजगार लड़का लोगों को रोज हवा दे रहा है, कोई नहीं तू चाकरी तो कोई तू चाकरी अपन हल ना 60-40 नहीं चल तू क्या मानते है भाई? हम दो चार आदमी को, पदाधिकारी ग्रुप को, कॉलेज के प्रोफेसर को, जिन्होंने हमको प्रश्न किया 60-40 नहीं चल तो भाई 60-40 का माने आप क्या समझते बताइए जरा हमको। बोले 60 झारखंड का, 40 बार का। हम बोले आप कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है यार, जरा बता दीजिए तो हमको यूनिवर्सिटी का क्या नाम है। नहीं हम तो ठीक बोल रहे हैं, अगर बताइए तो आप कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। बोला ऐसा नहीं है, 60% हो गया आरक्षण कोटि का, यानी 28% हो गया एससी का, 12-14% हो गया एससी का, उसी तरह पिछड़ा वर्ग का, उसी तरह सबल जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनका 10% का, मिला जुला के आरक्षण कोटि का जो होता है 60% है, और 40% ओपन फॉर ऑल सबके लिए। तो सबके लिए मतलब क्या है?
उसमें 10% 15% भी झारखंड का लड़का नहीं आएगा। तो अगर 15% आ गया बहुत गनीमत, अगर तकदीर खराब होगा 20% अगर आ गया तो 60 और 20 80% हुआ। तो तुम बोलो जो 80-20 नहीं चल तो 80-20 नहीं चलेगा, ये बात बोलो। ऐसा भी हो सकता है कि झारखंड सरकार का नजर इतना सूक्ष्म नजर है कि 20 में भी उनको आगे नहीं देगा। अब बता दीजिए उसमें अगर लिखा रहेगा संथाली भाषा से जानकार होना चाहिए तो कितना बाहर का आदमी हम लोग यहां प्रवेश करेगा, या झारखंड मूल के इतिहास के बारे में अगर उसको प्रश्न करना शुरू करेगा तो कृष्णा कितना प्रश्न का उत्तर देगा, वो नहीं सकेगा। इसलिए अनर्गल लोगों को भ्रमित करने का ये बात करता है। आपने देखा होगा पिछले परसों भी हमारा मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवालय के कितने पंचायत सचिवों का नियुक्ति पत्र बांटे, और हमारे बगल में ही मुख्यमंत्री का आवास है, आप लोगों में से बहुत आदमी देखते हैं, रोज मेला जैसा लगा रहता है। हम लोग पार होते हैं तो पूछते हैं आज क्या है, तो आज फलाना बंद के लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण का है, सारे लोग आभार व्यक्त करने के लिए आए, सारे लोग गुलदस्ता लड्डू मिठाई रंग अबीर गुलाल लेकर के स्वागत करते हैं। अगल बगल रोड के लोग बोलते हैं कि जब से हम स्वर्ण इस आवास में आया है हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, लोग आभार व्यक्त करते हैं।